हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किरण मैडम की क्लास में। मैं किरण उपाध्याय और आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। क्या होती है परिमेय संख्याएं? देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पिवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकते हैं, जहां P और Q आपके होंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स और Q आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि P और Q दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए। यानी आपका वो ऋण पूर्णांक भी हो सकता है और धन पूर्णांक भी हो सकता है, यानी इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है हमारी इंपॉर्टेंट कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर Q जीरो हो गया, यानी डिनोमिनेटर, Q मतलब डिनोमिनेटर आपका नीचे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर है, तो यदि Q आपका जीरो हो गया, इसका मतलब वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो देखते हैं कौन कौन से आपके रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 4/5 ये एक रेशनल नंबर है, -3/4 ये भी एक रेशनल नंबर है, 4/-8 ये भी एक रेशनल नंबर है, और -5/-1 इस प्रकार से आगे को होते रहेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 और 5 यानी 4 के आगे भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे हमने पढ़ा था कल कि जिनके आगे कोई साइन नहीं लगता है तो वो प्लस माने जाते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर उनको माना जाता है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी +4 और +5। यहां देख रहे हैं हमारा 3 माइनस हो गया, यानी 3 आपका नेगेटिव इंटीजर और 4 आपका पॉजिटिव, और हमने लिखा ही है P एंड Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो इंटीजर ये दोनों हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहां देख रहे हैं ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये सारे आपके इस प्रकार से बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी बहुत सारे का मतलब इंफिनिटी, अनंत होते हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है। तो ये सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो जैसे अगर मैं अगर एक रेशनल नंबर एक ले लूं, कोई नंबर 3/0, क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन आपका आपने एक शर्त पढ़ी है Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जबकि यहां पर आपका डिनोमिनेटर जीरो, तो ये पॉजिटिव ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, यानी ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आपने देखा 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं ले लूं -5/0, तो ये भी एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका जीरो है, Q इक्वल टू जीरो है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। अब एक चीज आती है, क्या जीरो रेशनल नंबर है? जीरो, यस, जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप देखते हैं कोई भी संख्या को, अगर मैंने 4 लिखा है, 4 यहाँ पर 4 है, तो ये अगर हम यहाँ देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 मानते हैं। तो यानी अगर इसको देखा जाए, इसका न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर 1, यानी अंश 4 और हर 1, तो इसी प्रकार से 0 का भी कोई हर नहीं लिखा है, तो इसका हर हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो आपने ये देखिए, आप इसमें आपने पढ़ा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर P है, P 0 है लेकिन Q 0 नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, यानी 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ढेर सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं। तो आप इससे रिलेटेड रेशनल नंबर बनाइएगा, और अगर आपको कोई इस पर डाउट हो तो आप अवश्य ही
कमेंट में लिख के बताइएगा कि अगर आपको कहीं पर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कमेंट में लिख के अवश्य बताइएगा। थैंक यू।